हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल एक्सटर्नल ऑरिजिन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है आप लोग की इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट रैली, जो आप लोग की ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड के लिए आप लोग की जो अभी रैली के लिए आप लोगों ने जो अभी अप्लाई किया था 27 और 28 में आप लोग के जो है इसके रजिस्ट्रेशन हुए थे, जो कि आप लोग के राजस्थान हरियाणा और बिहार के लिए आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। रजिस्ट्रेशन करते समय भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। जी हाँ, साइट बहुत ही स्लो चल रही थी, जिसमें कि आप लोग को लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे आप लोग को जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। बहुत ही स्लो साइट चल रही थी, इसके ऊपर भी मैंने आप लोग को वीडियो बनाया था क्या और कैसे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आप लोग को बता दूंगा, जो आप लोगों को 27 और 28 में जो आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था, इसके लिए जो है आप लोग की लिस्ट आ चुकी है। जी हाँ, आप लोग की जो लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, किस किस बच्चे कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं आप लोग के रैली में भाग ले सकते हैं, पूरी लिस्ट आ चुकी है बिहार हरियाणा और राजस्थान की। और इसके अलावा जो आप लोग की जो आप लोग का एडमिट कार्ड होगा वो आप लोग के मेल पे भी सेंड कर दिया गया होगा या फिर सेंड किया जाने वाला होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये एयरमैन की जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोग को जो यहाँ पे पूरा साफ साफ नोटिस शो हो रहा है अंबाला हरियाणा का, और इसके अलावा आप लोग की जो रैली है जोधपुर राजस्थान, इसके अलावा बिहार पटना, ठीक है, तीनों की है यहाँ पे जो आप लोग की जो है शॉर्ट लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिक्रूटमेंट रैली आप लोग की है, ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड ये आप लोग की है, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट कितने स्टूडेंट कहाँ पे कैंडिडेट जो है शॉर्ट लिस्ट किए गए, पूरी लिस्ट आप लोग को मिल जाएगी। ये आप लोग की बिहार पटना की है। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर अंबाला हरियाणा, जी हरियाणा की जो ये आप लोग की शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की जो यहाँ पे लिस्ट है। इसके अलावा आप लोग की जो है राजस्थान, जी हाँ राजस्थान के शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की जो है यहाँ पे आप लोग की PDF। तो आप लोग जिस स्टेट से आते हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को तो बता दूं कि जब भी आप लोग रैली साइट पर जाना है तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाने हैं। जी हाँ, डॉक्यूमेंट आप लोग को सभी जगह एक ही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिए। तो इसमें सबसे पहले जो आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम, जी हाँ जब भी आप लोग को यहाँ पे पहुँचना है आप लोग रिपोर्टिंग टाइम जो है 5:30 आवर्स, ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आप लोग को बिहार पटना का ओपन कर रखा है, ठीक है। इसमें आप लोग की जो वेन्यू है यहाँ पे आप लोग को 10th एयरमैन सेलेक्शन सेंटर बिहार पटना, ठीक है, ये आप लोग का रैली वेन्यू है, यहाँ पे आप लोग की रैली होगी। इसमें जो आप लोग को कैंडिडेट हैं इन्हें आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने हैं रैली साइट पे, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग के पास होना चाहिए प्रोविजनल एडमिट कार्ड, जी हाँ आप लोग का एडमिट कार्ड जो आप लोग के मेल पे आएगा वो आप लोग को लेके जाना है, उसका प्रिंटआउट आप लोग निकाल लेंगे। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस स्टेट से आप लोगों ने अप्लाई किया, आप लोग बिहार से हैं तो बिहार का आप लोग के पास डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, आप लोग का जो भी डिस्ट्रिक्ट है लेकिन आप लोग का बिहार के ही होने चाहिए, किसी और दूसरे राज्य से नहीं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को जो है मार्कशीट होनी चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट, तो आप लोग के पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोग को लेके जाना है, ध्यान रखिएगा, मार्कशीट भी लेके जानी है और सर्टिफिकेट भी लेके जानी है आप लोग के इंटर की। इसके अलावा आप लोग की जो 10th की है, 10th की भी आप लोग को सर्टिफिकेट यहाँ पे रखनी है, तो 10th 12th दोनों की ही आप लोग यहाँ पे मार्कशीट सर्टिफिकेट रख लेंगे। इसके अलावा वैलिड आईडी प्रूफ आप लोग को लेके जाना है। आईडी प्रूफ में आप लोग के पास आधार कार्ड हो, ज़्यादा बेस्ट है आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, आप लोगों का पैन कार्ड है, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं आप लोग आईडी कार्ड के रूप में रख लेंगे। इसके अलावा यदि आप लोग के पास NCC सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप लोग लेके जाएंगे, यदि एप्लीकेबल है, यदि नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोग के पास जो है 7 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, मीन्स आप लोग 7 फोटो लेके जाएंगे कलर्ड पासपोर्ट साइज, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यदि आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं ले जा पाते, ठीक है, आप लोग फेलियर है, मीन्स आप लोग डॉक्यूमेंट ले जाने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग को जो है वहाँ से सिलेक्शन टेस्ट या आप लोग कैंडिडेचर जो है आप लोग की कैंसिल कर दी जाएगी, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग को डॉक्यूमेंट बहुत ही मस्ट है, आप लोग चाहे बिहार में जा रहे हो, चाहे आप लोग राजस्थान से, चाहे हरियाणा रैली में जा रहे हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट सभी के होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग को जो COVID-19 की वजह से जो प्रोटोकॉल वगैरह है इसको आप लोग को फॉलो करना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, तो इस चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये बिहार की जो मैंने आप लोग को यहाँ पे पूरी ओपन कर रखी है, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, जो भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर था, कैंडिडेट नेम दिया है, फादर नेम दिया, डेट ऑफ बर्थ दिए, डिस्ट्रिक्ट आप लोग के दिए यानी कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग आते हैं, और ग्रुप ट्रेड आप लोग को दिया हुआ, रिपोर्टिंग टाइम आप लोग को रिपोर्टिंग डेट दिया हुआ यानी कि 9 अक्टूबर से आप लोग की जो है यहाँ पर रैली स्टार्ट है। तो इसमें आप लोग को जो है परसेंटेज नहीं बताई गई है कि कितने परसेंट पे जो है आप लोग के कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं मिनिमम और मैक्सिमम,
तो आप लोग इसे देख लेंगे, ठीक है। कितने कैंडिडेट आप लोग के जो बिहार में सेलेक्ट किए गए हैं, जो शॉर्टलिस्ट किए गए, वो है आप लोग के 2208 कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। 19 अक्टूबर तक आप लोग की यहाँ पे रैली चलने वाली है, तो इस चीज़ को आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो क्या कट ऑफ गई है इसकी जानकारी तो अभी नहीं मिली है, तो यदि आप लोग कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यदि आप लोग का सिलेक्शन हुआ है तो प्लीज़ आप लोग जो है अपनी कट ऑफ के बारे में जरूर बताइए, यानी कि अपने जो आप लोग के इंटर के मार्क्स हैं उसके बारे में जरूर बताइए अपने स्टेट का नाम लिखते हुए, ताकि और भी स्टूडेंट को जो है इसकी कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल सके। इसी प्रकार से यदि आप लोग ने हरियाणा के लिए भरा है तो हरियाणा के लिए आप लोग देख लेंगे, डॉक्यूमेंट आप लोग के सभी वही हैं जो आप लोग को बिहार में लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट वही हैं। कोविड-19 का आप लोग को पालन करना है, जो भी रूल्स है स्टेट का और आप लोग का जो सेंट्रल का, इसमें आप लोग के 1570 स्टूडेंट जो है यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग की जो किसी का यदि सिलेक्शन हुआ है तो वो बताए कि आप लोग का सिलेक्शन हुआ है, कितने मार्क्स आप लोग को जो इंटर में, ठीक है। तो इससे आप लोग की कट ऑफ को पता चल जाएगा यहाँ पे आप लोग का जो है हरियाणा वालों का। इसी प्रकार से राजस्थान से हैं आप लोग तो राजस्थान का भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान का जो यहाँ पे वेन्यू रैली स्थान है, यहाँ पे आप लोग 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जोधपुर, केंद्रीय विद्यालय आप लोग का 2 एयरफोर्स जोधपुर राजस्थान, ये आप लोग का वेन्यू है। यहाँ पे आप लोग की जो रैली होने वाले, रिपोर्टिंग टाइम आप लोग का 5:30 बजे, और जो आप लोग की जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे वही हैं जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बता दिए हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं नेम वगैरह आप लोग का, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, ठीक है, फादर नेम वगैरह पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आप लोग किस डेट को आप लोग को जाना है, 9 अक्टूबर से आप लोग का जो यहाँ पे लास्ट है वो आप लोग का 19 अक्टूबर में ही होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आप लोग के 1988 बच्चे सेलेक्ट किए गए, यानी कि शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो कितनी सीट है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन परसेंटेज के बारे में पता चल सकता है कट ऑफ के बारे में, यदि आप लोग कमेंट करके बताते हैं यदि आप लोग का यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है, यदि आप लोगों ने भी अप्लाई किया है तो आप लोग भी जल्द से जल्द अपना नाम इसमें देखिए और जल्द से जल्द मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं इसके बाद आप लोग की जो है कट ऑफ के बारे में वीडियो बना सकूँ। तो फ्रेंड्स, अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और जाने से पहले यही कहूँगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय से पहले आप लोग को प्रोवाइड करता रहूँ। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।